नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बूरा गुलिया भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेत्र चिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन समस्या जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रही है, आँखों में से पानी आने की। तो पहले ये जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आजकल जैसे मोबाइल, ये टीवी और स्क्रीन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इस पर हम अधिकतर समय अपना बिताते हैं, इसकी वजह से भी आँखों में से निरंतर पानी आने की समस्या बनी रहती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है नज़र में कमी होना। इसके लिए हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट ना दिखाई देना, हम बार बार आँखों को मसलते हैं, बार बार आँखों में से पानी आना, यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण, जो आजकल गेहूं की कटाई का सीज़न है तो उसमें बच्चों में खास तौर पे एलर्जी की समस्या काफ़ी कॉमन है, उसमें भी आँखों की लाली आना और आँखों में से पानी आना काफ़ी समस्यादायक है। तो अब इसका निवारण क्या है या इससे उपाय क्या है जिसके वजह से हम इससे बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जो मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसका केवल जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें तो ये आँखों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यदि हमारी नज़र में कमी है और दूर का हमें धुंधला दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से आँखों में निरंतर पानी आ रहा है, तो इसके लिए हमें अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिलकर सलाह लेकर यदि चश्मा या स्पेक्टिकल्स की आवश्यकता है तो वो लगवानी चाहिए। और रही बात गेहूं की कटाई के सीज़न की, जिसकी वजह से एलर्जी की वजह से समस्या है, तो उसमें भी हमें अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लेकर चेक कराकर दवाइयों का, आई ड्रॉप्स का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये राय दूंगी कि इस दौरान आप अपनी आँखों को गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से दिन में कम से कम 3 से 4 बार साफ करें। वह बाहर जाते समय सनग्लासेस यानी धूप के चश्मों का प्रयोग अवश्य करें। यह सब करके हम आंखों में से पानी आने की समस्या से गर्मी के मौसम में अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।